हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी स्टडीज। तो जैसा हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, सिक्स स्टैंडर्ड सिविक्स चैप्टर, फोर्थ चैप्टर अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, इसमें हमने कुछ हमारा जो पॉइंट्स था उसके बारे में पढ़ लिया था, जो कि था द नगर पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल मतलब मैंने आपको बताया था नगर पालिका, आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ना हमारे यहाँ पर महानगर पालिका, मतलब जो नगर पंचायत होता है वो टाउन्स में होता है, आपको मैंने बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जिसके कारण जो हम आपको अभी समझाने वाले हैं वो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो शायद आपको जो ये वीडियो हम जो बना रहे हैं उसमें शायद आपको बोल सकते हैं ना पढ़ने में शायद दिक्कत पड़ सके, तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो हमने उसमें पढ़ा था नगर पंचायत क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी महानगर पालिका, यानी कि जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसमें छोटे छोटे सिटीज़ आते हैं, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसमें बिग बिग सिटीज़ आते हैं। सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं सिटी में जो लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिटी में रहते हैं वो एकदम मज़े में रहते हैं, मस्त में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके पास प्रॉब्लम्स भी रहते हैं और उनके पास फैसिलिटीज़ भी रहते हैं। और नगर पंचायत क्या था वो भी देखा हमने, देखा उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है वो भी देखा, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है वो सारी चीजें देखी, और भी हमने देखा ना व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे अगर आपके सामने ऐसा होता है, ये भी हमने पढ़ा था। और भी कुछ जो थे गवर्नमेंट की स्कीम्स उसके बारे में पढ़ा था, डू यू नो भी मैंने आपको बताया था। अब हमारा स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो था 4.3 में क्या पढ़ेंगे अभी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमने नगर पंचायत और द म्युनिसिपल काउंसिल इसके बारे में पढ़ लिया था। अभी पढ़ेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन और काउंसिल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। काउंसिल मतलब जो काउंसिल होता है वो छोटे छोटे सिटीज़ के ऊपर होता है, और जो कॉरपोरेशन होता है वो बड़े बड़े सिटीज़ के ऊपर होता है। लोकल बॉडी डेट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस टू द पीपल इन द बिग सिटीज इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यानी कि समझ लो अगर आप थाने में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो महाथाने महानगर पालिका ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो महानगर पालिका है उसे ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, बोलते हैं TMC। समझ लो अगर थाने में रहते हो तो वहाँ पे होगा TMC, थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसे कहा जाता है। तो जो लोकल बॉडीज होता है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो उसमें लोगों को सर्विसेज मिलते हैं, जॉब्स मिलते हैं, और वो बिग सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, बिग सिटीज़ में फॉलो होते हैं, छोटे मोटे सिटीज़ में नहीं होते। छोटे मोटे सिटीज़ जो होते हैं उसमें म्युनिसिपल काउंसिल चलता है, और जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलता है। तो बिग सिटीज़ में जो सर्विस देता है, जॉब देता है लोगों को, उसे म्युनिसिपल ऑपरेशन कहा जाता है, जो बिग सिटीज को संभालता है। द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र वॉज एस्टैब्लिश एट मुंबई। अब जो मुंबई है वो एकदम पहला बोल सकते पहला स्टेट है, या फिर आप बोल सकते फर्स्ट, आप बोल सकते हो जो महाराष्ट्र में जो मुंबई है वहाँ पर सबसे पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक सबसे पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टैब्लिश हुआ था। कब मतलब कब नहीं बता सकते, पर कहाँ पर हुआ, मुंबई में सबसे पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फाइंड आउट, अब इस थोड़ा फाइंड आउट है जो आपको फाइंड करना होगा, ये जो फाइंड आउट है ये मैं आपकी जगह का नहीं बता सकता, यानी कि समझते क्या लिखा है इसमें, इन हाउ मेनी सिटीज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज द एडमिनिस्ट्रेशन कैरिड आउट थ्रू कॉरपोरेशन। यानी कि जो हमारा महाराष्ट्र है, हमारा जो महाराष्ट्र है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा कौन कौन सी जगह है, कितने सारे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉरपोरेशन के हिसाब से चलता है, ना कि काउंसिल ना कि पंचायत, वो जो कॉरपोरेशन के हिसाब से चलता है वो कितने डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा हमें यहाँ पर पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देर आर 27 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कॉरपोरेशन फॉलो होता है महाराष्ट्र में। इन विच ईयर वॉज द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ योर सिटी इस्टैब्लिश। अब आप कहाँ पे रहते हो तो मैं नहीं बता सकता, मतलब यहाँ पे पूछा है कि आपका जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो किस ईयर में इस्टैब्लिश हुआ, ये वहाँ पर पूछा है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मतलब बोलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता रहना चाहिए। अब देखते हैं थोड़ा सा हमारा आगे का थोड़ा सा है वो भी हम समझते हैं। The total numbers of members of a municipal corporation is determined so as to be in proportion
टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, यानी कि जो हम बोल सकते हैं जो म्यूनसिपल कॉर्पो, जैसे हमने देखा अलग अलग जो नगर पंचायत है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, म्यूनसिपल काउंसिल, जिला परिषद, सरपंच, जो इनका होता है, ये कुछ इनके हम बोलते हैं पीपल्स जो इनमें होते हैं, जो इनमें पीपल्स होते हैं, ये 17 से 15 होने चाहिए या फिर 5 से 6 होने चाहिए, 75 से 35 होने चाहिए, मतलब इनके बीच में होना चाहिए, ना कि इनसे ज़्यादा ना इनसे कम। हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। तो जो अभी हम देखते हैं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर समझ लो 15-20 के अंदर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें जो इनका जितना पॉपुलेशन होगा उसी के हिसाब से कितने, मतलब बोल सकते कितने मेंबर्स रहेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वो तय होता है। यानी कि अगर मेंबर्स ज़्यादा हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आदमी जो उनके पीपल्स मेंबर्स वो भी ज़्यादा होंगे, अगर कम है तो उसके हिसाब से जो मेंबर्स रहेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वो कम रहेंगे। यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, पीपल पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जितने पॉपुलेशन उतना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। द इलेक्शन टू द कॉर्पोरेशन हर हेल्ड एवरी 5 ईयर। अब जो इनका भी इलेक्शन, जिस तरह जो अलग अलग इलेक्शन 5 ईयर में होते हैं, उसी तरह जो इनका इलेक्शन है वो भी 5 ईयर में ही हो रहा है। द इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज द कॉर्पोरेटर। अब जिस तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो जो उसे चलाता है उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, उसी तरह जो कॉर्पोरेशन है जो उसे चलाता है उसे कॉर्पोरेटर्स कहा जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज द कॉर्पोरेटर। दे इलेक्ट अ मेयर एंड अ डिप्यूटी मेयर फ्रॉम देम अमॉन्ग देम सेल्फ। यानी कि जो हमने देखा बहुत सारे लोग वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं जो उन्हीं के बीच में से निकलते हैं, ठीक उसी तरह जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक सत्ता में आती है, यानी कि जब वो जीतती है तो वो उनके उन्हीं में से जो उनका लीडर होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उसी को एक मेयर बनाया जाता है और एक डिप्टी मेयर बनाया जाता है। यानी कि हमने हर जगह पे देखा, कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट, कहीं पे चेयरमैन या फिर बोल सकते हैं ऑफिसर अलग होते हैं, उसी तरह इसमें एक मेयर होते हैं और एक होते हैं डिप्यूटी मेयर। द मेयर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। अब जो मेयर है उसे फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है सिटी का। ही प्रिसाइड्स ओवर ऑल द मीटिंग्स ऑफ कॉर्पोरेशन, मेनी इंपॉर्टेंट इशूज रिगार्डिंग द सिटी आर डिस्कस एंड डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी आर मेड इन द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ कॉर्पोरेशन। यानी कि जो इसके अलावा भी, मतलब फर्स्ट सिटीजन तो होते ही हैं और भी उनका काम होता है, पर उसी के अलावा भी उनका क्या काम होता है कि वो मीटिंग को कंडक्ट करें, कि मतलब हमें पढ़ा था कि एक साल में कम से कम 6-7 मीटिंग तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ होनी चाहिए, ठीक उसी तरह वो मीटिंग भी कंडक्ट करते हैं। मेनी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं, जो पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम होते हैं, अगर वो लेटर लिखते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले पढ़ेंगे, तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पढ़ते हैं तो वो मेयर को बताते हैं कि हमारा जो एरिया है इसमें ये इश्यूज है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करें, उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। जो रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। समझ लो कोई आपका घर का मेंबर है, उसे समझ लो घर में पानी नहीं आ रहा है, मतलब जो एक एरिया है वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो सब लोग कुछ लेटर लिखेंगे जो उनका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसे बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो लोग मेयर के साथ डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसी को डिस्कशन, ये भी किसका काम होता है, मेयर का काम होता है। द डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी आर मेड इन द जनरल बॉडी। अब जो डिसीजन होता है, जो बनाया जाता है किसके लिए, जो उनका बिग सिटी डेवलपमेंट के लिए, वो भी जो जनरल बॉडीज होते हैं और जो कॉर्पोरेशन, इनके मीटिंग में तय होता है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मल्टी मेंबर्स वार्ड्स आर क्रिएटेड। यानी कि जब ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जीतती है तो इनके अंदर मल्टी मेंबर्स आ जाते हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप बन जाता है, अलग अलग वार्ड्स बन जाता है। अब एक साथ तो काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा अलग अलग ग्रुप तो होना चाहिए, यानी कि देखभाल के लिए, पब्लिक के लिए। फ्रॉम ईच वार्ड, जब एक जो ग्रुप होता है, जब वार्ड बोल सकते हो आप, नॉट लेस देन 3 और नॉट मोर देन 5, यानी कि उसमें 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए और 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें कम से कम 5 मेंबर्स आ सकते हैं पर 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप समझ रहे हो ना, तो 5 मेंबर्स आर इलेक्टेड। द वोटर कैन कास्ट एज मेनी वोट्स एज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्ट फ्रॉम द वार्ड। यानी कि जो वोटर्स होते हैं वो अपने जो वार्ड होते हैं उसको अपने हिसाब से उन्हें वोट कर सकते हैं। दस अ वोटर कैन कास्ट फॉर वोट इन 4 मेंबर्स आर बी इलेक्टेड फ्रॉम द वार्ड। अब जो 4 मेंबर्स होते हैं, जो अलग अलग जो बोलते हैं वार्ड्स बनाए, तो उसमें आप
आपकी जितनी मर्जी हो सकते हो उनमें से आप इलेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कमिटीज ऑफ द कॉरपोरेशन। अब जो कॉरपोरेशन बनी है तो इसमें कुछ लोग तो होंगे ना जो इसको संभालते होंगे, कुछ काम करते होंगे, तो देखते हैं कमिटीज क्या है, कैसा इनका चलता है रेगुलेशन, जो इनका रेगुलेशन है वो चलता है कैसे, वो भी तो देखना जरूरी है ना। द कॉरपोरेशन कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू द डिफरेंट कमिटीज। अब जो कॉरपोरेशन वो अकेला तो काम नहीं कर पाएगा, जो एजुकेशन बच्चों की एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो क्या कॉरपोरेशन का मेयर खुद जाएगा, नहीं ना। अगर कोई किसी को पानी नहीं मिल रहा तो मेयर खुद जाएगा, नहीं। अगर किसी को बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो जैसे किसी को ट्रांसपोर्ट की कुछ कमी है तो उसके लिए मेयर खुद नहीं जाएंगे, उनके नीचे भी कुछ कमिटीज रहते हैं, जो मेयर बोलेगा वही ये लोग करते हैं। जैसे कि हो सकता है जो इम्पोर्टेंट कमिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज होते हैं, जैसे एजुकेशन कमिटीज, जो एजुकेशन कमिटीज हो रही है बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही तो उसके ऊपर भी क्या हम क्या कर सकते हैं, तो वो मेयर जो होते हैं वो खुद का बोलते हैं लॉ इंप्लीमेंट कर देते हैं, पर जो लॉ इंप्लीमेंट करने के बाद जो रूल्स रेगुलेशन मतलब जो काम काज करते हैं वो एजुकेशन कमिटी करती है एजुकेशन के रिलेटेड, और जो हेल्थ कमिटीज होते हैं वो हेल्थ के रिलेटेड काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिटी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से काम करती है, यानी कि इनको एक एक बोलते ना एक कमिटी दी गई है जिसके हिसाब से इन्हें काम करना पड़ता है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। अब जो कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता है वो भी देखते हैं। द म्युनिसिपल कमिश्नर इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। अब जो म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है, जो म्युनिसिपल जो है कॉरपोरेशन उसका एक कमिश्नर होता है, वो की हेड होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसका हेड होता है म्युनिसिपल कमिश्नर। ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन टेकन बाय कॉरपोरेशन। अब जो कॉरपोरेशन है वो अगर बिना पूछे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसे बिना पूछे अपना लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। अगर समझ लो जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, म्युनिसिपल कमिश्नर को दी जाएगी, यानी कि जो उनके जो कॉरपोरेशन के जो लोग होते हैं वो लॉ बनाते हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो जांच पड़ताल के बाद ही उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि वो अपनी सिटी में लागू कर सकता है। तो कुछ भी अगर उसका इल इफेक्ट आता है या फिर इफेक्ट आता है, कुछ अच्छा होता है, एडवांटेजेस होता है कि डिसएडवांटेजेस होता है, तो कुछ भी होता है तो किसके ऊपर आएगा, कॉरपोरेशन के ऊपर नहीं, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसके ऊपर वो एग्जाम जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यही उसको इम्प्लीमेंट करता है ना, इसके पास तो हक होता है कि इसको लॉ को लेना है कि नहीं लेना, वो तो इसके पास हक होता है। मतलब कुछ भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस किसके ऊपर जाएगी, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉरपोरेशन टेक्स अ डिसीजन ऑफ पुटिंग अ बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। एक समझ लो जो कॉरपोरेशन है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो एक डिसीजन लेती है, क्या डिसीजन, कि प्लास्टिक जो बैग्स है, जो प्लास्टिक के बैग्स यूज होते हैं उसको बैन कर दो, उसको रोक दो वहीं पर। देन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इज डन बाय द कमिश्नर। यानी कि वो बोल सोच सकते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है वो किसके हाथ में होता है, कमिश्नर के हाथ में। कौन से कमिश्नर के हाथ में, म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स एनुअल बजट ऑफ द कॉरपोरेशन एंड मेन्स प्रेजेंट फॉर द जनरल बॉडी मीटिंग। यानी कि वो एनुअल जो बजट होता है वो लोगों को बताता है कि हमारे सिटी का एनुअल बजट क्या है, किस तरह उनको वर्क करना चाहिए, भी मतलब कॉरपोरेशन के अंदर सीक्रेट होता है, और किस तरह वो मतलब जनरल बॉडी के साथ मीटिंग भी करता रहता है कि किस तरह हम और भी डेवलपमेंट ला सके, कहाँ पर, जो बिग सिटीज़ होते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो बिग सिटीज़ में ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉलो होता है। अरे बस थोड़ा सा आपके लिए कुछ एग्जांपल है जो आपको अपने स्कूल में कर सकते हो या फिर अपने मैडम से इसके बारे में पूछ सकते हो। ट्राई दिस फ्रॉम एन एजुकेशन कमिटी ऑफ योर क्लास। मतलब आपकी क्लास में ही एक छोटा सा बोलते ना जिस तरह एक स्किट होता है, ठीक उसी तरह एक एजुकेशन कमेटी का एक आप स्किट कीजिए, जिसमें कि अ कमिटी शुड बी हैव अ इक्वल नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एट एज रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो कमिटी होती है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स तो होने चाहिए, यानी कि बोलते ना पीपल्स तो होने चाहिए उसमें, तो जितने बॉयज रहेंगे उतने ही गर्ल्स भी होने चाहिए। दे शुड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वो एजुकेशन कमेटी के साथ में क्या डिस्कस करेंगे कि वो इश्यूज़ के अपने इश्यूज डिस्कस करेंगे। अब वो इश्यूज क्या रहेंगे, फैसिलिटीज इन द क्लासरूम, यानी कि वो एजुकेशन जो कमिटी रहेगा और जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे गर्ल्स एंड बॉयज उनके बीच में क्या होगा, डिस्कशन होगा, किसके बीच में, किसका डिस्कशन होगा कि हम अपने क्लासरूम में क्या क्या फैसिलिटीज ला सकते हैं। अ प्रपोजल फॉर गेटिंग अप अ स्मॉल लाइब्रेरी फॉर द क्लास। अब वो खुद के बारे में सोच भी सकते हैं कि हम अपने क्लास में एक छोटा सा लाइब्रेरी भी ला सकते हैं जिसके कारण हमें कुछ जनरल नॉलेज के बारे में पता चलेगा,
पता चलेगा। ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि वो स्पोर्ट कॉम्पिटिशन भी अपने स्कूल में ही अगर मैडम की इच्छा हो तो उनसे पूछकर वो क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा है जो आपको स्कूल में फॉलो कर सकते हो। मतलब यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि किस तरह एजुकेशन कमेटी काम करती है और उसी की तरह आपको थोड़ा सा रोल करना है। अब देखते हैं डू यू नो, एक छोटा सा डू यू नो है जो आपको मुझे समझाना है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्या है डू यू नो। हाँ, क्योंकि जो डू यू नो होता है वो हमेशा बोलता है ना एक अलग इन्फॉर्मेशन देता है, एक चैप्टर के रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देता है। क्या डू यू नो, क्या आपको पता है, ये इसका मतलब है कि आपको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द टोटल पॉपुलेशन इज नियरली हाफ। अब जो जो प्रोपोर्शन है, मैंने कि कहीं किस कोई भी कमेटी, नगर पंचायत हो, समिति हो, कुछ भी हो, तो उसमें जितना पॉपुलेशन जो वुमेन्स मैंस का रहेगा उतना ही वुमेन्स का होना चाहिए। मतलब उनके हाफ ही तो रहते हैं, मतलब जितना वुमेन्स होने जितना मैंस होने चाहिए उतना ही वुमेंस होने चाहिए, मतलब नियरली हाफ तो होते ही हैं कहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है इसमें। ये इसीलिए फिर वेरी फ्यू वुमेंस आर सीन टू टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि बहुत ही कम, मतलब आप ज़्यादा देख सकते हो पर कहीं कहीं देखते हो कि आप जो कुछ भी नगर पंचायत होता है उसमें बहुत ही कम महिलाएँ दिखाई देती हैं कहाँ पर, गवर्नमेंट के साथ बात करते समय। वुमेंस हैंडल इशू लाइक फूड एनर्जी वाटर एनर्जी डे एज अ पार्ट देयर डेली रूटीन, बट दे डू नॉट से इन द डिसीजन रिगार्डिंग दिस इशूज। अ वुमेन टेक्स केयर ऑफ द वाटर इन द हाउस बट शी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डीलिंग विद वाटर इशूज, यानी कि एक जो महिला होती है उनका काम क्या होता है, खिलाना पिलाना, लोगों को एनर्जी देना, एनर्जेटिक बनाना, है कि उनका घर का जो रूटीन होता है उस तरह का उनका काम होता है। तो क्या वो घर का उनको पानी नहीं आ रहा, कुछ जो इश्यूज है उनके घर के जो वो क्या वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो अपना इश्यूज उनको वो बता नहीं सकते, क्या वो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पर पहला ऐसा नहीं हुआ करता था, जो हम बोल सकते हैं 1950 का जमाना है, फिर ऐसा सब बोल सकते हो, वहाँ पर ऐसा ही चीज़ें नहीं हुआ करती थी। फिर जो अभी हमारा विद 50% रिजर्वेशन, और इसी के लिए 50% रिजर्वेशन हुआ है, रिजर्वेशन यानी बोलते हैं आरक्षण हुआ है, क्या हुआ है आरक्षण हुआ है, यानी कि कुछ अच्छा कार्य हुआ है किसके ऊपर, वुमेन्स के रिलेटेड, फॉर वुमेन्स इन द लोकल बॉडीज, यानी कि 50% रिजर्वेशन हुआ है किसका, वुमेन्स का, कहाँ पर, लोकल बॉडीज में। दे नाउ हैव गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व इंपॉर्टेंट इशूज, अब उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो जो उनके रिलेटेड इशूज है, कुछ अलग इशूज है, वाटर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, जो इशूज है वो अब उनके साथ, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनके साथ शेयर कर सकती है, यानी कि उनको 50% रिजर्वेशन मिल गई है, रिजर्वेशन आया, बोल सकते हैं कि उन्हें एक अधिकार मिल गया है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द फंक्शन, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द फंक्शन, यानी कि हमें देखना है कि जो फंक्शंस क्या है, किसका, कॉर्पोरेशन का, वो समझना है। वाटर सप्लाई भी करती है कौन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो उनका स्टेट से जो उनका सिटी है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये भी कौन जांच पड़ताल करता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। पुलिस को बुलाना है अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो भी कौन करता है काम, कॉर्पोरेशन। एंड जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ मैरिज इसके बारे में भी कौन करता है, कॉर्पोरेशन। और फिर जो बोलते हैं फायर ब्रिगेड के बारे में, परमिशन टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए आप अगर कुछ भी बोल सकते हो, कंस्ट्रक्शन के लिए आप किसी से बोलते हो ना रिजर्वेशन करवाना है, फिर आप बोल सकते हो कि रिजर्वेशन नहीं बल्कि बोलते हैं परमिशन लेना है, तो वो भी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लेना है तो वो भी कॉर्पोरेशन से लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटीज, प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, ये भी कौन करता है, कॉर्पोरेशन ही करते। कंट्री यानी आप बोल सकते हो कि जैसे कि जो उनका सिटी है उसमें का जो बॉर्डर है वो भी बोल सकते हैं कि वो भी जो प्रोटेक्टिंग होता है वो कॉर्पोरेशन ही करता है। तो अब देखते हैं जो यहाँ पर आप जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, क्या सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है कि जो कॉरपोरेशन का है वो रेवेन्यू कहाँ से आता है, काम तो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं, हेल्थ एजुकेशन लाते हैं, या फिर अब हेल्थ लाते हैं, एजुकेशन के बारे में जो लाते हैं, कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पैसा इनके पास कहाँ से आता है, खुद के जेब से तो नहीं लगाएंगे, कुछ तो काम होगा इनका। अब वो हाउस टैक्स, अगर आप हाउस में तो उसका टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी का आपके पास जाता है उसका टैक्स देना पड़ता है, वाटर का टैक्स देना पड़ता है, प्रोफेशन आप क्या काम कर रहे हो उसका टैक्स देना पड़ता है, एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है, रेजिंग जो लोन्स होते हैं, लोन्स जो लेते हैं आप बैंक से उसका टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट जो ग्रांट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से आपको प्रोवाइड होते हैं उसका भी टैक्स देना पड़ता है। तो यही टैक्स को लेकर सब जो कॉरपोरेशन है वो इकट्ठा करती है, और वो जो पैसे होते हैं, जो रुपीस होते हैं, उसी को
सिटी के भलाई के लिए यूज़ करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स यहीं पर होता है। तो हर एक पीपल्स की जिम्मेदारी होती है कि वो टैक्स भरे, क्योंकि जो टैक्स भरते हैं वो जो गवर्नमेंट होते हैं खुद के पास नहीं रखते, बल्कि वो हमारे लिए ही उसको यूटिलाइज करते हैं। अब देखते हैं व्हाट डिड यू फील ऑन रीडिंग दिस। अब आपको जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ छोटा सा है, आपको क्या फील हो रहा है? अंदर से कुछ फील हो रहा है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या आपको, देखता हूँ आपको फील क्या होता है। अब मेट्रो विल बी सून रन इन योर सिटी। अब जो एक मेट्रो है वो आपकी सिटी में बहुत ही जल्द ही चालू होने वाली है, तो क्या फील हो रहा है आपको? हाँ, खुश हो गया होगा आप, है ना। परमिशन हैज़ बीन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 24-story बिल्डिंग, यानी कि आपका जो घर है या फिर आपके बाजू में एक 24 मंजिले का बिल्डिंग बन रहा है, तो उसके लिए परमिशन मिल गई है, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी का हो सकता है। गार्डन्स एंड लेजर सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश इन एवरी वार्ड, जो हर वार्ड से जो हर जगह है वहाँ पर गार्डन्स बनेंगे, जो लेजर सेंटर्स होते हैं यानी कि लोगों को वॉकिंग के लिए जो अलग अलग चीज़ें मतलब पब्लिक के हेल्थ के लिए रिलेटेड, जो पब्लिक के हेल्थ पब्लिक के रिलेटेड बनते हैं वो भी आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु प्योरीफाइड वाटर हु यूज प्योरीफाइड वाटर और वाटर गार्डन्स टू वॉश देयर कार्स, यानी कि अगर समझ लो आपका कपड़ा धोया, आपने कपड़ा धोया तो जो कपड़े का गंदा पानी जो आता है वो मतलब जो कपड़े में से जो मैल निकलता है उतना भी गंदा नहीं रहता वो पानी, आप उसे प्लांट्स को दे सकते हो, आप गाड़ी भी धो सकते हो उससे, तो वो आप क्यों फेंक देते हो और आप नया पानी क्यों लेते हो? साफ तो पानी वो भी रहता है, आप ऐसा तो नहीं प्लांट्स जो बोलता है, प्लांट्स बोलता है क्या मुझे साफ पानी चाहिए मुझे गंदा पानी नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं बोलता ना प्लांट्स। तो वो सारे जो पानी होती है वो हम प्लांट्स को दे सकते हैं, गार्डन्स में डाल सकते हैं, कार के लिए वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम प्योरीफाइड वाटर जो साफ सुथरा पानी उसे क्यों यूज़ करें, क्यों उसे वेस्ट करें ऐसे छोटे मोटे जगहों पर? तो ये भी आपको बोलते हैं ना अंदर से कुछ फीलिंग आ रही होगी। हाँ, इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी टू डिपोज द वेट गार्बेज विद इन योर ओन सिटी लोकेलिटी, यानी कि जो गार्बेज होते हैं वो अपने जो आसपास के एरिया में उसे बोलते हैं डिकम्पोज कर देना है, उसे बोलते ना मिट्टी मिला देना है, या फिर बोल सकते हैं उसको आप फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, प्लांट्स को दे सकते हैं, तो आप अपने एरिया में उसको क्या बोल सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड एज होम्स विल बी कंस्ट्रक्शन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए ऑर्फनेज बोल सकते हो आप, धर्मशाला बोल सकते हो, वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ये बेनिफिट नहीं बेनिफिट है। जो लोग रास्ते पर रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रास्ते पर रहते हैं वो उसमें धर्मशाला में जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी है। तो आपको क्यों अंदर से अच्छा फील हो रहा है? आपको कुछ अच्छा फील हो रहा होगा कि मेट्रो बनने वाली है, जो हमारी बिल्डिंग के लिए परमिशन मिल गया है, गार्डन्स के लिए पानी किस तरह यूज़ करना है, गार्डन्स हमारे एरिया में गार्डन्स बन रहे हैं, हम वॉक कर पाएंगे, जो प्योरीफाइड वाटर है उसे क्यों वेस्ट करना, हम जो गंदे पानी है उसको वेस्ट कर सकते हैं पर प्योरीफाइड वाटर क्यों वेस्ट करना, और भी बहुत सारे जो गार्बेज के लिए कंपलसरी जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बूढ़ों के लिए एक ऑर्फनेज बन रहा है, तो आपको अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग आ रही होगी। क्यों अच्छी फीलिंग आ रही है? कि जो पैसा जो होता है या कि जो गार्डन्स बना रहे, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गार्डन्स बना रहे या फिर जो मेट्रो चालू कर रहे हैं या फिर जो बोल रहे हैं ऑर्फनेज बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक इनके पास पैसा कहाँ से है? जो टैक्स लिया वहीं से आया, जो टैक्स हमसे लिया है वही पैसा हमें यूटिलाइज हो रहा है, ये कहीं पे जाता नहीं है, ये हमारे पास ही आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो टैक्सेस लिए जाते हैं जो अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो पैसे जाते कहाँ पे हैं। व्हाई डिड द कॉर्पोरेशन डू इट, अब ये जो कॉर्पोरेशन है ये कुछ चार पॉइंट्स है, ये चार पॉइंट जो है ये कॉर्पोरेशन क्यों करता है आपको पता चलेगा, मैं बताता हूँ धीरे धीरे, आप टेंशन जरा से भी मत लीजिए, आपको सब समझा दूंगा। द कॉर्पोरेशन हैज रिफ्यूज परमिशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क दैट वुड रिक्वायर द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि कुछ कॉर्पोरेशन ने बता दिया है कि आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हो, मेट्रो बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसमें आप ट्रीज को कट नहीं करोगे। द कॉर्पोरेशन हैज रिफ्यूज परमिशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क दैट वुड रिक्वायर द, मतलब जो कॉर्पोरेशन है उसने मना कर दिया कि आप कोई भी अगर ऐसा काम करते हो जिससे कि ट्रीज को नुकसान होता है तो हम उससे परमिशन देंगे ही नहीं। तो अच्छी बात है ना, जो ट्रीज बचेंगे तो हमारे लिए कुछ भविष्य में अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो मेट्रो बनते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रीज को काटा जाता है, अगर जंगल के रास्ते से बन रहे तो उसमें और भी ट्रीज काटे जाते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। तो एक हिसाब से कॉर्पोरेशन ये भी अच्छा काम कर रही है कि ट्रीज को कट नहीं होने दे रही है। इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड मेनी प्रोग्राम्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक डेंगू स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा, कि बहुत सारे जो बोल सकते हैं कि आप स्वाइन फ्लू होता है डेंगू होता है, तो इसके लिए जो
सरकार है यानी कि आप कॉरपोरेशन को बोल सकते हो, तो बहुत सारे स्कीम्स क्या बोल कर रही, इंप्लीमेंट कर रही, क्यों कर रही, क्योंकि जो स्प्रेड हो रहा है डिसीजेस का उसको कंट्रोल किया जा सके। अब जैसे आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस चल रहा है, क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें जो वैक्सीन आ रहे हैं उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर आप कुछ प्राइवेट में जाते हो तो शायद आपको देना पड़ता होगा, पर जो पब्लिक होता है वहाँ पर आपको पैसा नहीं देना पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इंप्लीमेंट किया, वो सारी चीज़ें की है ताकि जो पीपल्स है उनको बेनिफिट्स हो सके। इसीलिए वो अलग अलग बोलते हैं वैक्सीन इंप्लीमेंट करते रहते हैं। मॉडर्नाइज द फायर ब्रिगेड, जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो कभी कभी क्या होता है पानी कुछ दूर तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए अलग अलग फायर ब्रिगेड के लिए अलग अलग गाड़ियां मंगाई जा रही है। अलग अलग बोलते हैं कितना प्रेशर लगेगा तभी जाके पानी और फेंकेगा, उसी तरह की उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। किसको, फायर ब्रिगेड को। इंस्पेक्ट द वेइंग स्केल इन द वेजिटेबल मार्केट, यानी कि जो आप देख रहे होगे भाजी का, फिर जो मार्केट है वहाँ पर जो आप देख रहे होगे कि जो रेट है वहाँ का बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी कंट्रोल कर रही है कौन, कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन को कंट्रोल कर रही है, वही इनका काम है और वो अपना काम भली भांति कर रही है। कभी कभी सिटीजन्स में कुछ कमियाँ हो जाती हैं और कभी कभी कॉरपोरेशन में कुछ कमियाँ हो जाती हैं, तो हमें इसके बारे में कुछ भी हम बोल सकते दखल अंदाजी नहीं करनी होगी, हमें एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ेगा। कॉपरेट यानी एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा था। ये डू दिस आप ये खुद से कर लीजिएगा प्लीज, अभी जो ये आपके आपके ऊपर है यानी कि आपको किस तरह करना है वो उसके ऊपर है। डू दिस आपको करना है वो। अभी मैं बता आपको लोकल गवर्नमेंट अर्बन, हमने देखो ठीक इसी तरह का टेबल हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पढ़ा था, ठीक इसी तरह का टेबल था, बस उसमें क्या था ना कि उसमें यहाँ पर रूरल लिखा था और इसमें अर्बन लिखा, यानी कि उसमें रूरल के बारे में बताया गया था, इसमें हम अर्बन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो नगर पंचायत, अभी उसमें हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, नगर पंचायत पढ़ा था और हमने पढ़ा था जिला परिषद पढ़ा था और पंचायत समिति पढ़ा था, तीन में पढ़ा था। ठीक उसी तरह अर्बन में भी तीन तरह के होते हैं, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो आपको पता होगा जो नगर पंचायत जो होता है वो टाउन के लिए यूज होता है, किसके लिए, टाउन के लिए ये यूज़ होता है, और जो म्यूनसिपल काउंसिल होता है ये स्मॉल सिटीज़ के लिए, किसके लिए, स्मॉल सिटीज़ के लिए, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है ये बिग सिटीज़ के लिए, किसके लिए, बिग सिटीज़ के लिए ये यूज़ होता है, कौन, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो आपको पता चल गया हो क्या इनका फंक्शंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो वही बात हम करें नगर पंचायत में, इसमें कम से कम मिनिमम 9 मेंबर्स आ सकते हैं और मैक्सिमम 15 मेंबर्स आ सकते हैं, और वही हम बात करें म्यूनसिपल काउंसिल की तो उसमें 17 मैक्सिमम मिनिमम आ सकते हैं और 38 मैक्सिमम आ सकते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो बिग सिटी होता है, तो उसका जो हम बोल सकते हैं मेंबर्स वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है, क्या, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज प्रोपोर्शनेट ऑन द टू द पॉपुलेशन, कि जितना पॉपुलेशन होगा उसी के हिसाब से इनका क्या मेंबर्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पाए जाएंगे। तो हमने देखा था कि इन्हीं में से जो नगर पंचायत होता है जो ये जीते हैं अगर, तो इन्हीं में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, और जब म्यूनसिपल काउंसिल जीतती है तो उन्हीं में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, और अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीतती है तो उसमें मेजर और मेयर और डिप्यूटी मेयर को चुना जाता है। आपको पता होगा तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर आप डिप्यूटी मेयर, इनका काम होता है जब अगर मेयर या फिर प्रेसिडेंट वहाँ पर उपस्थित ना हो तो कुछ सभा बुलाई जा रही है, तो उसमें अगर मेयर उपस्थित नहीं है तो डिप्यूटी मेयर या फिर वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है कि उसको संभालने रखने का। तो आपने देखा होगा जो ये तीन ऑफिसर जो है, जो ये तीन ऑफिसर्स हैं आपको दिख रहा होगा, तीन ऑफिसर्स ये गवर्नमेंट इंप्लीकेट यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन्हें बुलाती है, किसको, ऑफिशियली, मतलब जो ऑफिसर होते हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नगर पंचायत में होती हैं, चीफ ऑफिसर जो म्यूनसिपल काउंसिल में होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, इन्हें गवर्नमेंट चुनती है, किनको, कमिश्नर को, चीफ ऑफिसर को और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये गवर्नमेंट चुनती है। क्यों चुनती है, ताकि ये इन सभी के ऊपर नज़र रख सके, इन सभी के ऊपर नज़र रख सके कि किस तरह काम कर रहे हैं। तो ये अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी गवर्नमेंट को बताएंगे, कौन, ये तीन लोग, और अगर ये कुछ बेकार काम कर रहे हैं तो ये वो भी गवर्नमेंट को बताएंगे, कौन, ये तीन लोग। मतलब ये कुछ भी अगर कुछ भी हो रहा है इसमें, वो जो खबर है वो जाकर गवर्नमेंट तक पहुंचाने का वो इन तीन लोगों का काम होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो अर्बन का है वो किस तरह चलता है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा डू यू नो है जो मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके लिए हमें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज मीन बाय रिजर्वेशन, है कि रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, ये नेसेसरी क्यों होता है। अभी आपने देखा होगा जो समिति है या फिर आप बोल सकते हो जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो ये होता है इसमें रिजर्वेशन होता है, मतलब कुछ जो सीट्स होते हैं वो छोड़े जाते हैं किन के लिए, जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स से जो, या फिर बैकवर्ड क्लास के जो सिटीजन्स होते हैं इनके लिए छोड़ा जाता है कुछ रिजर्वेशन, ताकि वो भी आकर उसमें हिस्सा ले सके, उसमें आकर हिस्सा ले सके। इसलिए इसको रिजर्वेशन कहा जाता है कि जो पीपल्स छोटी मोटी जगह के हैं उन्हें भी पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है, वुमेंस को पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है वुमेंस को भी, और वो पार्टिसिपेट उन्हें करना भी होगा, ऐसा डिसीजन लिया जाता है और प्रोसेस को मेक किया जाता है। तो जो डेमोक्रेसी होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑल पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑल द प्रोसेस, है कि जो गवर्नमेंट से कुछ भी पॉलिसी आती है, प्रोसेस आता है, डेवलप आता है, कुछ भी आता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का हर एक नागरिक का एक अधिकार होता है जो कि उससे कोई छीन नहीं सकता। तो इसी को रिजर्वेशन कहा जाता है, मतलब सबको मौका मिलना चाहिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जो हमारा चैप्टर वो खत्म हो गया है, तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ एनी डाउट वॉज देयर देन यू कैन आस्क मी, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बेफिक्र पूछ सकते हैं। तो आपको जो जो वीडियो है थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारा जो चैनल है उसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।